सिंगरौली जिले के सरई अस्पताल में पदस्थ एक सरकारी डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने डॉक्टर पर उसके साथियों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। छतरपुर जिले के सरई थाना क्षेत्र में एक महिला ने सरई अस्पताल में पदस्थ सरकारी डॉक्टर गंगा जायसवाल और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पहले तो डॉक्टर ने उसके घर की बाउंड्री वॉल को ढहा दिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो पहले डॉक्टर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद डॉक्टर और उसके साथियों ने लाठी डंडे और सब्बल से महिला, उसके पति और बच्चे के साथ मारपीट की। घटना में सभी को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने इस घटना की शिकायत सरई थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। समस्या ये है कि हैंडपंप पर 9-10 बजे के बीच में हम पानी लेने गए तो वो का करें, गंगा डॉक्टर जायसवाल और 10-15 आदमी उनके बैठे थे घर के पास। अब ये सोचे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाले आदमी बैठे हैं तो हम कुछ नहीं बोले हैं। फिर एक बार सबरी लेकर और हथौड़ा लेकर मेरा दीवार और उदारे लगे। जब उदारे लगे तो हम ही सोचन कि ये देखी भला हैंडपम्प चलावट छोड़ के और हमारे जो पति रहे तो उनका वो पानी लेके चलेगी। एक बार जब हम पानी छोड़ के और गंध दिखें तो हमारा दीवार उदारत रहा तो हम गंध कि अपना पचन का सबके चीनी लहन, अपनों की बहन हुई, अपनों की बीवी हुई, अपनों के घर द्वार हुई, हाथ जोड़ी तो हमारा घर न उधारी। हमारे घर की झोपड़ी में आग न लगाई, हमारे पास महल नहीं झोपड़ी है तो आग न लगाई, हमारा ना उदारी तो हथौड़ा लेके सवरी लेके हमारा पठून पठून मार मार के हमारा घर हुआ रिकवर रहा। ओखा उदार देनी उदारे के बाद में गंगा जैसवाल, गंगा डॉक्टर जैसवाल आवा है तो हमारा हाथ पकड़ी सी और हमारे गाले पर चठों चठों 2-3 तमाचा लगाई सी। देखिए एक सरई का कस्बे की बात है, एक पक्ष से डॉक्टर गंगा जायसवाल है, दूसरे पक्ष से छोटेलाल मिश्रा, ये दोनों अगल बगल पड़ोसी हैं। इनका कहना है गंगा जायसवाल का कि हमारी ज़मीन पे घर बना रहे थे, उनका कहना है कि हम अपने बना रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपस में परिवारों के बीच में झूमा झटकी और जो छोटा मोटा मारपीट का प्रकरण हुआ है तो हमने दोनों तरफ से रिपोर्ट पंजीबद्ध करके और विवेचना में लिया गया है और साथ ही तहसील से जानकारी प्राप्त की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।